हाय एवरीवन, तो आज हम प्लाजो की कटिंग देखने वाले हैं। तो प्लाजो हम कम से कम हमको 2 मीटर कपड़ा या 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरे पास ही 2 मीटर कपड़ा है। तो प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले हमको 3 नाप की जरूरत पड़ेगी। पहला हमारा लेंथ, इसकी लेंथ 33 इंच है और हिप इसका 38 इंच है और आसन जो कि हम निकाल भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं। तो हमको सिर्फ 3 नाप की जरूरत है, इसमें लेंथ, हिप साइज और आसन। तो पहले हम कपड़े को सीधे से बिछा लेते हैं। ये मैंने 2 लेयर्स में बिछाया है, देख सकते हो आप, 1 और 2 लेयर्स में है हमारा कपड़ा। तब हम सबसे पहले निशान लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। वैसे तो ये सीधा ही है, बट ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो इसको आप थोड़ा सीधा एक निशान हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच, ये 1.5 इंच पर हम पहले एक निशान लगा लेंगे सीधा। ये 1.5 इंच निशान लगाने के बाद हम यहाँ से पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ जैसे कि हमारी 33 है, तो पहले हम 33 इंच पर एक निशान लगाएंगे। पहले हम 33 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो हमने 33 इंच पर निशान लगाया और यहाँ कपड़ा फिट गया। और यहाँ से भी आप 33 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो जैसे कि हमारी लेंथ 33 है, तो हमने ये 33 इंचेस पर निशान लगाया है। अब यहाँ 33 से नीचे 1.5 इंच एक और निशान लगाएंगे जो कि मोड़ने में आएगा। नीचे की तरफ जब हम मोड़ेंगे उसकी मोरी को, तो वो मोड़ने में हमारा 1.5 इंच का आएगा। तो 1.5 इंच फिर से यहाँ पे मार्जिन ले रहे। अब हम ये जो मार्क है हमारा, यहाँ पे हम हिप साइज का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हिप साइज है 38 इंच, तो 38 इंच पे हमको 4 इंच लूजिंग जोड़नी है। तो 4 इंच हम लूजिंग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंच। 38 + 4 करेंगे तो ये 42 इंच हो जाएगा। और 42 इंच को हम फिर से 4 से डिवाइड, मतलब यहाँ 4th पार्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4th पार्ट का निशान लगेगा। तो जो हमारा हिप है, हिप में हमने पहले 4 इंच जोड़ा, 38 में 4 जोड़ा तो 42 हो गया। और 42 को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 10.5 इंच पर निशान लगेगा और ये हमारा हिप साइज का निशान है। तो ये हमारा 10.5 इंच का निशान लगा दिया। तो ये हमारा 10.5 इंच पर निशान लगा। अब यहीं से हमको आसन का निशान लगाना। तो आसन या तो आप नाप सकते हैं, या आसन हम क्या करेंगे, हमारा जो हिप साइज है उसका हम 4th पार्ट लेंगे और उसको +1 कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे हिप साइज का जो 4th पार्ट है वो कितना आया, 10.5 आया। तो 10.5 में हम 1 इंच जोड़ेंगे तो 11.5 या 12 पे आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ 12 इंच पर। और ये आसन आप नाप के भी देख सकते हैं। अब हम एक बार यहाँ से भी नाप लेंगे कि 10.5 11 है या नहीं। तो ये 10.5 आ रहा है और टोटली आ रहा है हमारा, इधर से हमने 12 इंच नापा, यहाँ से भी हम 12 इंच। यहाँ आप 11.5 पे भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 12 लगा रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है। अब इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमने ये जो मार्क पेन लगाया था इसको हम सीधा कर लेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से हमने हिप साइज का 4th पार्ट लगाया, फिर यहीं से हमने आसन का निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमें इस मार्क से 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हमको गोराई दे देंगे
गोलाई और हाथ भी बना सकते हैं। अब जो हमारा हिप साइज आया है 10.5 इंच, तो हमारे तो अब हम ये नापेंगे, तो हमारा ना 12.5, तो हमको यहाँ नीचे भी 12.5 पर ही निशान लगा लेना है। निशान है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना चौड़ा पहनना है और कितना हमको चौड़ा नहीं पहनना है। यहाँ वैसे तो जो हमारा हिप का ये वाला जो साइज आता है, सेम ये साइज ही हमारा प्लाजो में जाता है, बट हम चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब इस टाइप की शेप हंटी की मदद से हम इसको मिला लेंगे। पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हमने जो पार्ट हमारा फ्रंट वाला कट किया था वो इसके ऊपर ही हमको ऐसे सीधा की सीधा रखना है। 2 इंच का निशान जहां से लगाया है वहीं से। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें 2-2 इंच का मार्जिन देना। तो पहले हम यहाँ से 2 इंच, हर जगह से 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए जाएंगे। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना कि 2 इंच यहाँ से। अब इस मार्क को हमको मिला लेना है। तो पहले तो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर हमको म्यानी काटनी है जो कि हम पजामा के सेंटर में लगाएंगे। तो म्यानी आप कितनी भी लंबी काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 6 इंच की काट रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 6 इंच पे एक मार्क लगाया। उसके बाद उसकी चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं, तो यहाँ मैं रख रही हूँ 5 इंच। 5 इंच इनफ होता है, चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटाना नहीं, बढ़ा सकते हैं। तो 5 इंच पर मैंने मार्क लगाया, मतलब 5 इंच की मेरी म्यानी है और इसके सेंटर पर मैं एक मार्क लगाऊंगी, मतलब 2.5 इंच पर। अब इस 2.5 इंच को मेरे 6 इंच के मार्क से स्ट्रेट मिला लूँगी मैं। और यहाँ हमें इसको त्रिकोण जैसा बनाना है, तो दोनों कॉर्नर से हम उस मार्क को मिला लेंगे।
तो ये हमारी म्यानी कट के रेडी है। तो अब हम पहले हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको गोलाई वाली साइड से हम जॉइंट करेंगे। तो अब हमें म्यानी इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम बैठते उठते हैं तो पजामा हमारा स्ट्रेच होता है या फटने का प्रॉब्लम रहता है और परेशानी भी होती है पहनने में, तो म्यानी लगाने से वो थोड़ा ईजी होता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ म्यानी लगाएंगे। तो म्यानी हमको सेंटर में लगानी है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये जिस तरीके से मैंने पिन लगाई है इसी तरह हमको सिलाई यहाँ से निकालते हुए ऊपर निकाल देना है और दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से ऊपर निकाल देना है, ठीक है। और ये जो म्यानी है मैंने गोलाई वाले पार्ट में लगाई है, जिस साइड से हमने गोलाई दी थी 2 इंच की उसी साइड पर हमने म्यानी को सेंटर में लगाया हुआ है। तो जिस तरीके से देखिए ये सेंटर में हमने म्यानी लगाई हुई है। तो बस अब हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह हम पीछे के पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सीधा 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 सामने की तरफ फेस करना चाहिए, एक दूसरे की तरफ सीधा सीधा पार्ट फेस करना चाहिए। और अब हम यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सीधी सीधी सिलाई दोनों तरफ चला लेंगे। इसको भी हम सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे और इधर से तरफ सीधी सिलाई चला लेंगे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से भी जोड़ लिया है और इधर से भी हमने ये दोनों साइड जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने नीचे जो 2-2 इंच का जो मार्जिन दिया था अब हम उसे पलटेंगे। तो वो पलटने के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने छोटे छोटे जो कट्स के निशान लगाए थे यहाँ पे छोटे से कट्स के, तो पहले उस कट तक आपको मोड़ना है इस तरह और फिर ये ऐसे मोड़ना है। तो आपको पिन से लगा के दिखा देना है। तो ये मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। तो जैसे कि 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था तो पहले आप 1 इंच मोड़े इसे फिर 2 इंच ऐसे मोड़ दो। तो मैंने उस तरीके से मोड़ा है। इधर भी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। दूसरा वाला हमारा जो पैर है उसमें हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ कट का निशान लगाया हुआ है ये आपको मार्क भी दिख रहा है। तो यहाँ तक आप पहले मार्क तक मोड़ेंगे फिर इसी मार्क से उठाकर इसको अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस तरह हमारा 2 इंच हो जाएगा, मतलब पहले हमने ये 1 इंच मोड़ा और फिर ये 2 इंच जब मोड़ा तो वो ऑटोमेटिक हमारा 2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पैरों में। जैसे इस तरीके से हमारी बॉर्डर्स और सब मोरी हमने नीचे से ऐसे मोड़ ली है यहाँ दोनों तरफ से। अब मैंने ये कुछ ऐसा बॉर्डर टाइप बनाई है, ये बॉर्डर मेरे कुर्ते के साथ मैच करी इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। तो ये तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते चाहे तो ना भी लगा सकते। मुझे मेरे कुर्ते के साथ इसको थोड़ा सा मैच करना है तो मैं ये थोड़ी सी इस टाइप की जो मैंने बॉर्डर क्रिएट करी है तो वो मैं लगा रही हूँ। ये बॉर्डर कुछ नहीं, मैंने जो मेरा कुर्ते का कपड़ा है उसमें से कट करी थी और साइड से मैंने एक बार ऐसे करके मोड़ ली है, बस एक बार इस तरीके से मोड़ी हुई है। और ये मैं अब यहाँ पे इसमें लगा लेती हूँ। तो ये बॉर्डर भी हमने लगा ली है इस तरीके से। तो आप चाहे, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो ना भी लगाए, क्योंकि मुझे कुर्ती के साथ मैच करना था तो दैट इज वाई मैंने ये लगाया है। आप अपनी कुर्ती के साथ अगर मैच करना हो तो उसका कुछ आप पैटर्न यहाँ लगा सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा पजामा पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है तो अब हमें बस इसे जॉइंट करना है। वो भी कैसे, यहाँ से हमें सिलाई लगाकर घुमाकर यहाँ निकाल देना है बस। तो हमारा पजामा जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। सिर्फ यहाँ से हमको 2 पॉइंट या आधा इंच ले लीजिए, आधा इंच की आप सिलाई लगाते जाए और यहाँ से निकाल लीजिए, कम से कम 2 सिलाई यहाँ लगा लीजिए। तो ये मैंने यहाँ भी हमारा सिलाई लग चुका है तो ये कम्प्लीट हो गया है। तो बस अब हमें ऊपर का इसका बेल्ट तैयार करना है। तो जैसे हमने ऊपर भी 2 इंच का ही छोड़ा था तो ये जो बेल्ट है जो बनाएंगे तो पहले हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लगाने वाले हैं
रबर लगाने पर वाले हैं, तो मैं यहाँ 1 इंच का रबर लगा रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट को लगता था तो मैंने पूरा बंडल खरीदा है। आप चाहे तो आपके हिसाब से 1 या 2 मीटर का भी ला कर रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बंडल ही लेना पड़े। तो अब आपको यहाँ पे किनारे पे क्या करना है, ऐसे एक बार मोड़ना है और ये दूसरी बार इसको ऐसे मोड़ कर पहले सब दूर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसे आपको ये एक बार एक ऐसे मोड़ना है और ये इस तरीके से दूसरा, और यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगा लेना है पतला सा मोड़ कर। तो ये हमने इस तरीके से चारों तरफ मोड़ कर सिलाई लगा ली। अब हम इसमें लगाएंगे रबर। तो ये हमारा पजामे में लास्टिक भी रख कर रेडी है और मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से ये हैंग करने के लिए लगा दिया, जिससे हमें पता पड़ जाए कि कौन सा वाला सीधा पार्ट है उल्टा पार्ट है। तो सीधे पार्ट की तरफ मैंने ये हैंग करने के लिए लगाया है और ये लास्टिक लगा चुकी हूँ। लास्टिक कैसे लगाते हैं अगर आपको देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको लास्टिक लगाना बता दूँ तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती और इसी वजह से मैंने लास्टिक इसमें लगाना नहीं बताया। तो लास्टिक के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इस तरीके से मैंने हैंग करने के लिए लगाया। तो ये हमारा पजामा, हमारा प्लाजो बनकर रेडी है। काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, मतलब आप 30 मिनट्स में आप इसको रेडी कर सकते हैं बनाकर, कि हमारा प्लाजो रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।